कोरोना की दोहरी मार हिमाचल के उन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब साधनहीन लोगों के बच्चों पर पड़ी है जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक एंड्रॉइड फोन का बंदोबस्त करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। जिनके पास मोबाइल है भी उन्हें या तो सिग्नल समस्या से दो चार होना पड़ रहा है या फिर लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी ने मोबाइल नेट रिचार्ज लायक भी उन्हें नहीं रखा है। सरकार की ओर से लॉकडाउन और कर्फ्यू के साथ ही स्कूलों में पढ़ाई का रास्ता ऑनलाइन पढ़ाई से निकाला गया है, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई ग्रामीण दूरदर्ज इलाकों में कितनी जवाबदेही है ध्यान नहीं दिया है। ये तो उन बिन माँ बाप के बच्चे बखूबी जानते हैं जिनको एंड्रॉइड फोन का सपना लेना भी मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के रणदल के रलू गाँव की निकिता और दक्ष की मजबूरी देख हर किसी का मन पसीज जाए। दोनों बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, हमेशा कक्षा में अव्वल आते रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद स्कूल बंद क्या हुए, ऑनलाइन पढ़ाई ने उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। जब दोनों छोटे थे तो माँ बाप का साया सर से उठ गया। माँ भी अचानक लापता हुई जिसका आज तक सुराग नहीं लगा। घर में बुजुर्ग दिव्यांग दादा भी इस काबिल नहीं कि एक एंड्रॉइड फोन खरीद सकें। इसी तरह शिमला जिला के गासो और रडोली गांव के बच्चों के आगे भी कई विकट समस्याएं हैं। कहीं सिग्नल की कमी से इंटरनेट चलता नहीं, किसी के पास फोन नहीं। कई गरीब ऐसे भी हैं जिनका लॉकडाउन के कारण रोजी छिन गया और अब वे मोबाइल रिचार्ज करने लायक भी नहीं है। रंडल स्कूल में नवी कक्षा में पढ़ने वाली रलू गांव की निकिता ने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, पढ़ाई ऑनलाइन चली है, लेकिन उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी कभार रिश्तेदारों से फोन लेकर पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम निकिता शर्मा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंडल है। आजकल लॉकडाउन के कारण हमारी ऑनलाइन क्लासें लगती है तो हमारी वो अटेंड नहीं हो रही है। हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास ये फ़ोन है तो हमारे इससे नहीं हो पा रहा है। कभी मौका मिले तो हम रिश्तेदार से फ़ोन मांग लेते हैं, और हम तीन भाई बहन हैं तो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम सरकार से इधर ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारी पढ़ाई के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। रलू गांव के ही किशोरी लाल ने बताया कि उनके बिना माँ बाप के एक पोता और पोती है, वे स्वयं भी दिव्यांग हैं। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं, फोन उनके पास है नहीं, कभी रिश्तेदारों के पास बच्चों को भेजते हैं, कई बार वे भी फोन देने से गुरेज करते हैं। मेरे दो पोतरू हैं जो बिना माँ बाप के हैं और मैं खुद अपंग हूँ, और ये मुझे पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास मोबाइल फोन की बड़ी प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों के पास भेजता हूँ कई बार इनको, तो वहाँ से कभी लाते हैं कभी देते नहीं लोग, तो इस तरह से मुझे मुश्किल है। अगर कोई इनकी सुविधा हो तो आप प्रदान। गासो स्कूल की 5वीं में पढ़ने वाली नम्रता ने बताया कि उन्हें अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाते हैं लेकिन कई बार नेट नहीं चलता जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती है। मेरा नाम नम्रता है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला गासो है। हमारे को मैम ऑनलाइन पढ़ाते हैं पर कभी कभी हमारा नेट स्लो चलता है, इसलिए हमें पढ़ने में मुश्किल होता है। रामपुर दूरदराज स्कूल रडोली की 8वीं में पढ़ने वाली शेना ने बताया कि उनके पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, वह फोन के लिए पड़ोसियों के पास जाते हैं। मेरा नाम शैना है, मैं 8 कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला रडोली है, और हमारे पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, हम पड़ोसी के घर में जाते हैं। तो पढ़ पाते हैं क्या? कभी जब घर में नहीं आते तब। गसो गांव की मीना कुमारी ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, एक 8वीं और एक 9वीं में पढ़ता है। उनके पास फोन तो है लेकिन लॉकडाउन के कारण कमाई का जरिया नहीं रहा, ऐसे में रिचार्ज करना मुश्किल है। गांव गसो के रहने वाले हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक 8वीं में एक 9th में क्लास में पढ़ते हैं। हमारे पास फोन तो है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई शुरू है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो इसलिए हमारे पास फ़ोन तो है, लेकिन हमारे पास जो है रिचार्ज बहुत महंगा है। रिचार्ज जो है 300 का है, 28 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, या तो थोड़ा रिचार्ज सस्ता करें ताकि बच्चे पढ़ पाएंगे। हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास काम होता नहीं उतना, लॉकडाउन में काम हुआ ही नहीं तो पैसे की भी दिक्कत होती है। गसो सरकारी स्कूल की अध्यापिका स्नेहलता
नेगी ने बताया कि यहाँ पर सब बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, कुछ के पास फोन है तो सिग्नल नहीं है, कोई रिचार्ज नहीं कर पाते। वे कई बार स्वयं भी गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, फोन से भी उन्हें क्या पढ़ाई करनी है बच्चों और अभिभावकों को बताते हैं। मेरा नाम सनी लता है, जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला गसो में पढ़ाती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ यहाँ की। और यहाँ पर मेरे पास लगभग 25 बच्चे पढ़ते हैं, 25 बच्चे प्राइमरी सेक्शन है यहाँ पर, तो सब बच्चों के पास फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा है नहीं। पांच एक बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ोन है लेकिन पेरेंट्स उनको फ़ोन देते नहीं है। वो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई है, वो जाके अपने फ़ोन ले जाते हैं। उनसे मैंने कई बार खुद भी फ़ोन पर बात कही कि आप अपने बच्चों को वो फ़ोन दे दो, काम करवा दो, तो उनका कहना है कि नहीं मैम जी, हमारे तो खुद को फ़ोन लगता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ उनको समझ नहीं आता है वहाँ मैं खुद उनको, वो मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं थैंक्स करती हूँ इसका डिपार्टमेंट का, जो हमारे को इतना अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, वीडियो के साथ साथ हमारे को एक वो मिलता है क्वेश्चन पेपर जैसा देते हैं। और बच्चे क्या करते मतलब वो वीडियो को देखते हैं, सारे बच्चे पहले वीडियो देखते हैं फिर उसको सॉल्व करके मुझे भेजते हैं, हम लोग उसको फिर करेक्शन करके, कहीं मात्राओं की गलती हो या कहीं कुछ गलत हो तो हम उनको वापस करेक्ट। ये भी तो दिक्कत आ रही है नेट की, कोई समस्या? हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बेचारे, कुछ तो हमारे पास ऐसे तबके के हैं जो रिचार्ज ही नहीं कर पाते, कुछ ऐसे भी है, कुछ नेटवर्क की जब प्रॉब्लम आती है तो हम फ़ोन पर ही उनको बोलते हैं कि फलाना लेसन निकालो, ये वाला पढ़ो, जहाँ समझ नहीं आता है तो वो फ़ोन पर हमारे को पूछते हैं। और कई बार तो मैं घर जाके भी बच्चों को समझा लेती हूँ, जो लेसन उनको नहीं आता तो उनको स्कूल के आसपास बुला के, एक दो बच्चों को बुला के, रास्ते में बुला के मैं जाती हूँ और उनको समझा के टिक करके देती हूँ कि इसका ये आंसर है, ये कर लेते हैं बच्चे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।